Welcome students to Director School Education Jammu Home Classes, which is an attempt to connect learners with instructor. बच्चों last time हमने 11th class की bio में से animal kingdom का topic लिया था, उसमें से हमने किया था characteristics of phylum Porifera, जिसको हम sponges भी कहते हैं. आज हम करने जा रहे हैं characteristics of phylum Coelenterata, जिसको हम Cnidaria भी कहते हैं. तो अब हम ले चलते हैं आपको word of Coelenterata. आप देख रहे हैं ये कलरफुल वर्ड है Cnidaria का, जहाँ जिसको हम Coelenterata भी कहते हैं. इसका नाम Coelenterata क्यों है, Cnidaria क्या क्यों है, ये हम आगे देखेंगे. तो ये हम पहली जो पिक्चर देख रहे हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे हाइड्रा, क्योंकि आपने पिछली क्लासों में हाइड्रा के बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका रहता है बडिंग, तो ये हाइड्रा में आम पाई जाती है. दूसरा जो मेम्बर है ओबिलिया है, वो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे. आगे फाइसेलिया है थर्ड वाला, वो ठीक हाइड्रा के नीचे सी एनीमोन है, जिसको हम एडेम्सिया भी कहते हैं. और सी एनीमोन के साथ जो आगे रेड कलर वाला है वो है कोरेलियम, जिसको हम रेड कोरल कहते हैं. उसके बाद है जे इसको हम कहते हैं जेली फिश, ठीक है. तो आगे जो हम करने जा रहे हैं वो है इसके क्या क्या इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं Coelenterata के, और उसमें क्या यूनिक फीचर हैं जिससे वो पिछले फाइलम जो हमारे स्पॉन्जिस किया उससे क्या कैसे हटके है. तो इसको हम इट इज़ अ सेकेंड फाइलम अंडर किंगडम एनिमलिया, जो पिछला फाइलम पहला हमने पढ़ाया Porifera, एंड इट इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन स्पॉन्जिस. एंड अबाउट 11,000 स्पीशीज हैव बीन रिपोर्टेड, हैव बीन डिस्कस्ड, एंड दे आर ऑल एक्वेटिक एंड फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरमेंट, बट प्रिडोमिनेंटली ये मैराइन है. जो फॉसिल रिकॉर्ड विच हैज़ बीन रिपोर्टेड रिगार्डिंग देयर एग्जिस्टेंस, इट इज़ अबाउट 600 million ईयर्स अगो. और मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, जो हमारे पास दो फीचर्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ नीडोसाइट्स, जिसको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं. वो मेनली ये किस लिए स्पेशलाइज हैं, फॉर कैप्चरिंग प्रे. अदर फंक्शंस भी हैं, वो अब आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम नीडोसाइट्स पढ़ेंगे. और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जो कि डाइजेशन वगैरह में मदद करती है. आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि फाइलम Coelenterata इसका नेम कैसे डिराइव हुआ है एक्चुअली, और फाइलम Cnidaria इसने अपना नेम कैसे डिराइव किया है. तो जो Coelenterata फाइलम है, इट इज़ कंपोज ऑफ टू वर्ड्स सील एंड एंट्रेंस. सील मीन्स कैविटी और एंट्रेंस मीन्स गट रिलेटेड टू इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल. सो देर इज़ नो एलिमेंट्री कैनाल, सो वी कैन से देर इज़ ए गट कैविटी, दैट इज़ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस क्या कह सकते हैं हम Coelenterata. सो फाइलम Cnidaria इट आल्सो गॉट इट्स नेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, जिसको हमने अभी पीछे जिक्र किया, जिसको नीडोसाइट्स भी कहते हैं, नेमेटोसाइट्स भी कहते हैं. ये सारे क्या हैं, स्टिंगिंग सेल्स हैं, जो आगे अलग अलग फंक्शन में हमें मदद देंगे, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और अगर हम इसकी हैबिटेट और हैबिट पे आएं, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ये ऑल आर एक्वेटिक, मेनली क्या है, ये मैराइन है, और वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर. एग्जाम्पल नॉर्मली आप देखते हैं हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर Coelenterata है, ये जहाँ तो सेसाइल है, फ्री स्विमिंग है, देन सॉलिटरी और कॉलोनियल, दोनों हर टाइप में ये पाए जा सकते हैं. एंड जो बॉटम ऑफ शैलो वार्म सी है, वी कैन फाइंड कोरल्स एंड सी एनिमल्स ऑफ मैनी शेप्स एंड कलर्स. जहाँ तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, तो जो पीछे हमने स्पॉन्जिस में हमने पढ़ा था सेलुलर लेवल, जहाँ थोड़ा स्टेप एक बढ़ गया है, इट इज़ ए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी इसमें अभी आर्गन और आर्गन सिस्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं. सिमेट्री जो Cnidarian की जो सिमेट्री है और रेडियल सिमेट्री है, क्योंकि मोर देन वन प्लेन इज़ पॉसिबल टू डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हमने दो इक्वल हाफ में काटना है, तो एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन अगर हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री. और जहाँ तक जर्म लेयर्स का सवाल है, ये दोनों लेयर हैं, इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इसमें जिसको जो कि इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. नो मीजोडर्म एट ऑल एज वी हैव सीन इन द स्पॉन्जिस आल्सो. बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्योंकि मिडल लेयर नहीं है, मीजोडर्म नहीं है, तो सिलोम का भी इसमें सवाल पैदा नहीं होता, दे आर एसिलोमेट.
हाँ एक बात है, इट कंटेन्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बट इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द सिलोम। जहाँ तक बॉडी वॉल की बात करती है, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर। जहाँ आप देख रहे हैं इस साइड डायग्राम में दो लेयर हैं, ये आप थोड़ा सा आपको थोड़ा जूम करके बता रहे हैं कि ये दो लेयर हैं इसकी। जहाँ इसमें एक तो एक ये हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड ये एक्टोडर्म है, और दूसरी इस तरफ कौन सी है जो रेड पिंकिश कलर है वो है गैस्ट्रोडर्म, जिसको जो एंडोडर्म से बनी हुई है। तो एक्टोडर्म जो एपिडर्मिस लेयर, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस सेल से बनी हुई है। तो ये जो लेयर है इट इज़ मेड ऑफ एक्टोडर्म्स, और जो गैस्ट्रोडर्मिस है वो किससे बनी हुई है, एंडोडर्म से। और इन दोनों लेयर के बीच में आप देख रहे हैं जहाँ पे क्या है, ये लेयर जो बिल्कुल ये ऊपर से नीचे ले तक ये थोड़ा लाइट कलर की आप देख रहे हैं स्किन कलर है, ये क्या है, मीजोग्लिया। ये दोनों लेयर के बीच में कौन कौन सी, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या है, मीजोग्लिया है। बट इट इज़ नॉट ए सिलोम, इट इज़ नॉट ए मीजोडर्म। तो ये किसकी बनी होती है, इट इज़ हैज ए जिलेटिनस मटीरियल इसमें होता है। तो ये नीचे जो हमने दिया हुआ है, दो फॉर्म दी हुई हैं इसकी, एक पॉलिप फॉर्म दी हुई है, एक मेडूसा फॉर्म दी हुई है। आगे हम इसके इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी डिफरेंट टाइप की वाल हैं, इसमें भी सेम तरीके की गैस्ट्रोडर्मिस है जी, आप देख सकते हैं गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में है, ठीक है, और जे एपिडर्मिस भी दोनों में है। तो जे दोनों फॉर्म अगर हम पढ़ेंगे तो जे पहली फॉर्म जो है पॉलिप फॉर्म है, जे मेडूसा फॉर्म है। पॉलिप क्या होता है, मेडूसा क्या होता है, आगे देखते हैं हम। तो आगे हम देखेंगे कि लेयर जो बॉडी इसकी जो उसमें जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, जो सॉरी गैस्ट्रोडर्म है, उसमें डिफरेंट टाइप के क्या हैं सेल्स हैं। और ये सेल में कौन कौन से सेल हैं, एपिथेलियल मस्कुलर सेल हैं जो मस्कुलेचर प्रोवाइड करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो वार्न और सेल को रिप्लेस करते हैं, सेंसरी सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम रहता है, हालांकि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है लेकिन थोड़ा सा नर्वस न्यूरॉन सेल इसमें पाए जाते हैं। तो सेंसरी सेल और नर्व सेल रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस और कोऑर्डिनेशन के लिए हैं। उसके बाद स्टिंगिंग सेल, जिसको बारे में अभी हमने जिक्र किया, जिसको नीडोब्लास्ट कहते हैं, ये किसके लिए जरूरी है, फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। ऑफेंस मीन्स कैसे है अपने प्रे को अटैक करना है, वो कैसे फूड लेना है, और डिफेंस मीन्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, दैट इज़ एक्शन ऑफ डिफेंडिंग फ्रॉम द रेजिस्टिंग अटैक। जो स्टिंगिंग सेल है ये जिसको हम नीडोब्लास्ट कहते हैं, इट इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ नाइडेरियंस। अगर हम ये लेफ्ट साइड देखें ब्लू कलर का, ये एक स्टिंगिंग सेल का एक डायग्राम बनाई हुई है जिसको हम नीडोब्लास्ट कहते हैं। ये इसके क्या क्या पार्ट हैं, एक तो पार्ट है ए सीलियम विच प्रोजेक्ट्स अबव द सरफेस एंड एक्ट एज ट्रिगर। ये आप देख रहे हैं जहाँ पे ये ट्रिगर का काम करता है, और जो हम ट्रिगर किसको कहेंगे, इट इज़ ए स्मॉल डिवाइस दैट रिलीज ए स्प्रिंग टू सेट अप एनी मैकेनिज्म। जैसे हम गन को देखते हैं, गन का ट्रिगर दबाते हैं, होली में आप बच्चे क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, गन होती है जिसमें आप रंग उसमें से निकलते हैं, वो गन देखें या दूसरी गन देखें, तो ट्रिगर क्या करता है, एक स्प्रिंग है जिससे वो स्प्रिंग निकलता, सारा आगे प्रोसेस अपने आप हो जाता है, ये ट्रिगर का काम करता है। और दूसरी बात जो इसमें है, इसमें एक इसके अंदर एक कैप्सूल है, ये आप लाइट बाहर वाला नहीं, ये लाइट स्काई कलर, ये जिसको हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट कैप्सूल। जी आप देख रहे हैं ये कैप्सूल जो है, इसके अंदर क्या क्या है, थ्रेड है, पेलोड, पेलोड मीन्स जितना भी, जहाँ कोई एमिनेशन कैसे दिया, ज़्यादातर आप देखते हैं कि ये जो पेलोड एक्सपेरिमेंट्स किसमें ज़्यादातर हम इसके यूज़ करते हैं, ये टर्म हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह में। तो जहाँ पे पेलोड का मतलब है कि जो भी इसके अंदर पॉइजन है, जो मटेरियल है, तो वो इसमें किसके लिए आ गया, पेलोड के लिए। वो इसमें केमिकल इंक्लूडिंग वेनम सारा कुछ किसमें होता है, ये कैप्सूल के अंदर ही होता है, ये जिसको अभी हमने नेमेटोसिस्ट कैप्सूल कहेंगे। उसके बाद थर्ड इसमें स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लव्स का काम करता है। और जब नीडोब्लास्ट फायरिंग फायरिंग मीन्स जब ये एक्शन में आता है, तो ये जो ट्रिगर है, जो अगर वेनमस नेमेटोसाइड अगर वेनमस होगा, इसमें पॉइजन होगा, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या करेगा, इट सेट ए बॉब। बॉब क्या हो गया, मीन्स ए शार्प प्रोजेक्शन। आप देखते हैं कि जो नुकीला पार्ट होता है, जैसे किसी एरो है, तो एरो का जो शार्प पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉब। तो जैसे ये फायरिंग करेगा,
यानी जहाँ अगर आप देखें इस पार्ट में, जहाँ पे आप देख सकते हैं जिस पार्ट में जैसे ये फायरिंग करेगा, जिसको जो नुकीला पार्ट है वो आगे क्या, आगे क्या करेगा, आगे ब्रेक पे क्या करेगा, उसको उसके अंदर क्या पेनिट्रेट करेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि वो इसमें ये बाप यानी कि जो नुकीला पार्ट है उसको उसके ज़रिए वो कहाँ करेगा, पे में एंकर करेगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं डायग्राम में, ये देखो जहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीडोप्लास्ट क्या हो रहा है इसकी, ये अब ये डिस्चार्ज यानी कि अभी फायरिंग सिचुएशन में आ गया है, ठीक है, एक अनफायर्ड और फायरिंग सिचुएशन में ये रहते हैं। तो जब ये प्रे को फाइंड आउट करते हैं तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये बाहर आ जाती है और ये प्रे को एंकर कर देती है। उसके बाद क्या है, ये हम दो डायग्राम्स देख रहे हैं, ये जो है बिफोर फायरिंग, ये वाली हम देख रहे हैं ये बिफोर फायरिंग है, ये आफ्टर फायरिंग है। तो दोनों से भी हम बता रहे हैं कि जिसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हम बता रहे थे नीडोप्लास्ट का। पहले हमने अभी पीछे देखा, एक तो इसमें क्या है, एक सीलियम है ऊपर जिसको ट्रिगर का काम करता है, दूसरे बात ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और तीसरा हम देखते हैं एक थ्रेड है विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फिंगर कॉयल, जो उसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था उसमें क्या, उसमें उसके में क्या एक थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड किसकी एक्सटेंशन है, उसी की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की एक एक्सटेंशन है। इट इज़ दिस थ्रेड डिलीवर्स केमिकल, इसी थ्रेड के जरिए क्या है, ये थ्रेड आप देख रहे हैं इसी थ्रेड के जरिए केमिकल जो हैं आगे टारगेट को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके अलावा एक अपर कलम, इसको जो हम लिड कहते हैं, ये लिड है अपर कलम, अपर कलम के बाद इसमें क्या है हमारे पास एक सेल बॉडी, जो पीछे नीचे देख रहे हैं हम, ये क्या है सेल बॉडी है विच प्रोड्यूस ऑल अवर पावर। तो हम कह सकते हैं कि एक नीडोसाइट एक सेल है, पहले जो सेल आ गया, सेल के अंदर एक कैप्सूल आ गया, फिर उसके अंदर एक ट्यूब आ गई, ट्यूब के ऊपर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिपटा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो क्या है ट्रिगर टाइप है, ट्रिगर में से ये देखो आप धागा जो है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है। तो ये किसका काम करता है, नीडोसाइट एक्चुअली एक्ट एज हार्पून, हार्पून जैसे आपने एक वेपन देखा होगा बाला जिसको हम कहते हैं, जिसका पीछे पार्ट जो है लकड़ी जैसा होता है, जहाँ वो मटेरियल के आगे पार्ट जो है नुकीला तेज़ वेपन टाइप होता है, तो इसलिए इसी तरह ये नीडोसाइट काम करता है। तो हमारे पास तीन तरह के नीडोसाइट्स जो रिपोर्ट किए गए हैं, एक तो जो वेनम इंजेक्ट करता है अपने प्रे को जिसको हम नेमेटोसाइट कहते हैं, नेमेटोसिस्ट कहते हैं, एक स्पिरोसिस्ट होता है वो पेनिट्रेट तो नहीं करता लेकिन ये इंटेंगल करता है। नीचे आप देख लें कि ये प्रे को क्या कर रहा है, इंटेंगल कर रहा है, ये नीचे डायग्राम जे अगर आप देखें जहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रे को इंटेंगल कर रहा है, उसको लपेट रहा है। और तीसरा जो जूस टाइप आ रही है कौन सी, ट्राइकोसाइस, इट इज़ नॉट जूस फॉर कैप्चरिंग बट क्या करता है ये, इट जूस फॉर प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स, जिसमें ये खुद रहता है। तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए और ऑफेंस के लिए दोनों के लिए ये यूज करता है, किसको, नीडोसाइट को। जहाँ तक बॉडी प्लान का बात आती है तो बॉडी प्लान क्योंकि इसका एक ही ओपनिंग है इसलिए हम इसको कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ड्यू टू प्लान्स ऑफ ओनली वन ओपनिंग दैट इज माउथ और हाइपोस्टोम। हम इसमें देखें या इसमें देखें, पॉलीफार में देखें या मेडूसा फार में देखें, तो ये एक ही टाइप की ओपनिंग है, एक ही माउथ है, यही एनस का काम करता है और नीचे जो इसका बिल्कुल ब्लाइंड है, बंद है, इसलिए हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और बॉडी फॉर्म जिसका हम जिक्र करते आ रहे हैं पहले भी, तो वो नीडीरिया के जो बॉडी फॉर्म है इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिप एंड मेडूसा, जे दिस वन इज पॉलिप और ये क्या है मेडूसा। पॉलिप को हम कहेंगे इट इज़ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूजली फिक्स्ड, इसमें सॉलिटरी में अगर हैं तो एग्जांपल हाइड्रा की आ जाएगी, कॉलोनियल भी हो सकते हैं वो, अगर हम सी एनीमोन और कोरल आगे जो पढ़ेंगे उनमें पॉलिप हैं, माउथ विद टेंटेकल फेसिंग अपवर्ड, जैसे जे आप देख रहे हैं इसका माउथ और टेंटेकल ऊपर की तरफ है, और अदर एंड इज़ ब्लाइंड है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच है, और इट इज़ मेनली कंसर्न फॉर फीडिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो मेडूसा है इट इज़ ए फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक आप देख रहे हैं, शेप लाइक अम्ब्रेला, एंड ऑलवेज सॉलिटरी विद माउथ एंड टेंटेकल, दे आर क्या कह रहे हैं, दे आर फेसिंग डाउनवर्ड्स। इसके बहुत
अच्छी कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है जेलीफिश, जिसको हम अरिलिया कहते हैं, एंड दिस मेडूसा इज मेनली कंसर्न विथ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली निडेरियंस में एक बहुत डिस्टिंग्विश फीचर एक और है जिसमें जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक्चुअली ये पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक्चुअली जैसे हमने जिक्र किया है पॉलीप है, मेडूसा है, इसके अलावा और भी इसकी बॉडी फॉर्म है जिसको हम जॉयड्स कहते हैं, ZOOIDS, जिसको हम जॉयड्स कहते हैं। तो ये जॉयड जो क्या करते हैं, मिल के ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर द होल इंडिविजुअल। जैसे सारे मिल के एक काम, जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन होते हैं तो पूरे इंडिविजुअल के लिए वो काम करते हैं, इसी तरह इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना देखने को मिलता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निडेरियंस, पर्टिकुलरली द पॉलीप एंड मेडूसा फॉर्म भी हैं, और दूसरे जॉइड फॉर्म जो जैसा कि हमने जिक्र किया कि हाइड्रोजोआ में पाए जाते हैं। तो जो जितने भी बाकी हाइड्रोजोआ जॉइड्स हैं वो सारे मॉडिफिकेशन किसके हैं, पॉलीप और किसके, मेडूसा के। जैसे हम देखते हैं कि गैस्ट्रोजॉइड्स है, जी अभी आप डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पे, तो जहाँ पे गैस्ट्रोजॉइड्स हैं, ये भी एक फॉर्म है एक की जॉइड की, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग। एक्चुअली दीज आर नोन एज फीडिंग जॉइड्स एंड दे आर टिपिकल पॉलिप विद अ माउथ एंड सराउंडिंग टेंटिकल्स। दूसरा हम देख रहे हैं नीचे डेक्टोलोजॉइड्स, ये हम देख रहे हैं जहाँ पे डेक्टोलोजॉइड्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यूज फॉर डिफेंस, और ये विदाउट माउथ है एंड यूजली विद ए लॉन्ग बेसल टेंटिकल। तीसरा हम देख रहे हैं ये गोनोजॉइड, गोनोजॉइड जो है ये रिप्रोडक्टिव जॉइड्स हैं, ठीक है, गोनोजॉइड्स ये आ गए, गोनोजॉइड ये रिप्रोडक्टिव जॉइड्स हैं, ये भी दे आर ऑल्सो डिराइव फ्रॉम पॉलिप एंड प्रोड्यूस सेक्चुअल मेडूसा। आगे हम देखेंगे जो अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से आगे पॉलिप कैसे बनते हैं। तो आगे आ गया फाइलोजॉइड जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं फाइलोजॉइड, ये दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज स्टार्टेड विद नेमेटोसिस्ट एंड सर्विंग टू प्रोटेक्ट द कलोनी। तो ये डिफरेंट टाइप के जो हमने जॉइड्स का डिस्कस किया, यही डिफरेंट टाइप के जॉइड्स जो हैं ये मिलके जब काम करते हैं, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगेन वंस मोर, अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल विन इन द सेम ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे काम किसके लिए कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल के लिए। तो ये मिलके काम करते हैं, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर हम स्केलेटन की बात करें, कुछ स्पीशीज़ में, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये स्केलेटन पाया जाता है, सच एज कोरल्स, जिसमें जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इट इज़ कैलकेरियस इन नेचर, इट इज़ एक्सोस्केलेटन एक्चुअली। और जहाँ तक हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए हमने पीछे अभी जिक्र किया कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, तो हम कह सकते हैं बॉडी इंक्लोजिज ए कैविटी विच इज़ नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रॉन, एंड इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग विच इज़ बोथ यूज फॉर माउथ एज वेल एज एनस, दैट इज फॉर टेकिंग फूड एंड फॉर थ्रोइंग वेस्ट। आप देख रहे हैं फूड के लिए भी यही है और वेस्ट के लिए भी यही ओपनिंग यूज की जाती है। इसी को हम कहते हैं ब्लाइंड सैक प्लान कहते हैं, इसका जो बॉडी प्लान है। तो जो उसकी डाइजेशन है, इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इट इज़ ऑकर्स इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये जो कैविटी है इट ऑकर्स इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, जहाँ पे भी आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देख रहे हैं, चाहे वो मेडूसा फॉर्म है चाहे वो पॉलिप फॉर्म है, एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड सेल विच आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोडर्मल जो लेयर है उसमें। हाँ, कुछ जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर भी है एंड विच टेक प्लेस इन द फूड वैक्यूल विद इन द गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। ये था आपका डाइजेशन कैसे होती है, और फूड जहाँ तक इसका फूड का सवाल है वो क्या है, न्यूट्रिशन इसकी होलोजॉइक है, और फूड इट रेंजेस फ्रॉम प्लैंकटन टू एनिमल सेवरल टाइम लार्जर, बट मेनली न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन फ्रॉम डायनोफ्लाजेलेट्स, जो एल्गी हैं, जो फोटोसिंथेटिक भी हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक भी हैं, और फ्यू कुछ इसमें जो निडेरियंस हैं वो पैरासाइट्स हैं।
जहाँ तक रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात आती है, ये बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन है एंड इट ऑकर्स बाई डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट द बॉडी सरफेस विच आर इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑल्सो द सेम प्रोसेस बाई डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस. एक्चुअली एक्सक्रीटरी मैटर इन निडेरियंस इज मेनली अमोनिया, सो निडेरियंस आर ऑल्सो एमिनोटेलिक. नर्वस सिस्टम की बात लें, ना इसमें ब्रेन है ना इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन इसमें ये एक बात तो है कि इसमें नर्व सेल्स हैं, उनके प्रोसेसेस हैं, सेंस सेल्स भी हैं. वो इसके लिए इसीलिए ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट जॉइंट का काम करते हैं सिलेंट्रेट एंड दे आर मोर एफिशिएंट देन द स्पॉन्जेस. अपेंडिक्स में लोकोमोटरी अपेंडिक्स तो नहीं है इसके, लेकिन निडेरियंस इसमें क्या है, दे हैव टेंटेकल्स, दे बेयर स्लेंडर एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस विच वी कॉल है टेंटेकल्स एंड दीज टेंटेकल्स आर प्रेजेंट एट द ओरल एंड इन बोथ द फॉर्म, दैट इज कौन सी फॉर्म है, पॉलीफॉर्म और मेडूसा फॉर्म. और हेड जैसी कोई इसमें कोई नाम की चीज़ नहीं है, देर इज नो हेड इन द बोथ फॉर्म्स ऑफ किसकी जस्ट निडेरियंस. रिप्रोडक्शन दोनों किस्म की हैं, बोथ ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल. हाँ, बहुत से निडेरियंस में हम देखते हैं जो पॉलिप्स हैं ये क्या करते हैं, ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाई बडिंग टू गिव राइज टू मेडूसा. एक्चुअली जो ये जो हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये पॉलीफॉर्म है, ये एसेक्चुअली, एक तो आपने देखा कि बड सिंपल बड फॉर्म बनता है जिसमें बडिंग इन हाइड्रा, वो न्यू आउटग्रोथ होती है, वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ठीक है. तो दोबारा वो एसेक्चुअल बन से दोबारा से वो यही पॉलीफॉर्म बन जाता है. एक एक तरीका तो यही है एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में. और दूसरा जो एसेक्चुअल का तरीका ये है जिसमें वो मेडूसा बना रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस से मेडूसा बन रहा है, इट इज़ द प्रोसेस विच इज ए स्टोबिलेशन. स्टोबिलेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ बडिंग. इसमें क्या आता है कि ये जो बॉडी है इसकी पॉलिप की, इसमें जब ये थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है, स्टोबिलेशन के लिए तैयार होती है, ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. स्टैक मीन्स एक ऐसे एक एक पीस के ऊपर दूसरा पीस, उसके ऊपर तीसरा पीस, उसके बाद ऊपर एक पीस. तो ये पीस क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्सली कट आउट होते हैं, ट्रांसवर्सली कट आउट होते हैं. जैसे मैं कह रहा हूँ, ये डायग्राम में बता रहा हूँ, जैसे एक कटा फिर दूसरा कटा फिर तीसरा कटा, तो ये किसको जन्म देते हैं, मेडूसा. लेकिन मेडूसा बनने से पहले ये इफायरा लार्वा को ये जन्म देते हैं. तो इफायरा लार्वा क्या है, इट इज ए इमेच्योर स्टेज ऑफ किसकी, मेडूसा की. तो ये इस तरह हम देखते हैं जो पॉलीप है वो एसेक्चुअली किसको दे रहा है, स्टोबिलेशन, जो इट इज ए टाइप ऑफ बडिंग. स्टोबिलेशन मीन्स ट्रांसवर्स कटिंग ऑफ लेयर्स, जो किसकी पॉलीप की जो बना रहा है मेडूसा. तो मेडूसा जो इट बेयर्स सेक्स ऑर्गन्स एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, जब ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेंगे ए सेक्चुअली तो ये द्वारा मेडूसा बनाएंगे ही नहीं, लेकिन जब सेक्चुअली प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक लार्वा बनाएंगे, प्लैनुला लार्वा. उसके बाद द्वारा किसको जन्म देंगे आगे, प्लैनुला लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलिप में. इस टाइम हम देखते हैं कि जो पॉलिप है वो मेडूसा बना रहा है बाई ए सेक्चुअल मेथड, और मेडूसा जो है जो क्या बना रहा है, द्वारा से पॉलिप बना रहा है किससे, बाई सेक्चुअल मेथड से. ये जो एक क्या कहता है, एक फिनोमिना चलता रहता है जिसमें पॉलिप मेडूसा बना रहा है और मेडूसा पॉलिप बना रहा है, इसी फिनोमिना को हम एक नाम दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस. एक्चुअली इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ए ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइक एज वी फाइंड इन प्लांट, दैट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. सो इट इज़ एक्चुअली नोन एज मेटाजेनेसिस. तो वी कैन से दैट जो फिनोमिना ऑफ सक्सेशन ऑफ डिफरेंटली ऑर्गेनाइज जनरेशन, जिसमें एसेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग जो पॉलिप है, इट इज़ फॉलोड बाय फ्री स्विमिंग मेडूसा, और जो क्या कहता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस भी कहते हैं, जहाँ हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं. जो फर्टिलाइजेशन है दोनों किस्म की है, इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. तो ये था रिप्रोडक्शन की, दोनों टाइप की इसमें रिप्रोडक्शन रहती हैं, एसेक्सुअल सेक्सुअल. जो पॉलिप एसेक्सुअल भी करता है, पॉलिप बाद में अपने आप में सेक्सुअल भी करता है, वो भी प्लैनुला लार्वा को जन्म देता है. लेकिन जब मेन जो चीज़ कहने वाला मैं कह रहा हूँ कि वो ये है कि वो पॉलिप जो है
एस एक्चुअली मेडूसा को प्रोड्यूस करता है, और जो मेडूसा है वो जो सेक्चुअली जो किसको पैदा देता है दोबारा, पॉली को, गिव राइज टू पॉली। तो दिस इज़ नोन एज मेटा जेनेसिस। तो ये मेटा जेनेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये लक से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मेटा जेनेसिस इन नाइडेरिया। तो आगे आज की जो डेवलपमेंट है, क्योंकि लार्वा स्टेज इसमें इन्वॉल्व है, तो इट इज़ इनडायरेक्ट एंड जाइगोट, जैसे हमने पीछे जिक्र किया है, प्लेनुला लार्वा में जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट इज द प्लेनुला लार्वा सिलिएटेड। ये हम देख रहे हैं कि ये मेडूसा फॉर्म है, ये प्लेनुला लार्वा है, और ये किसको दे रहा है आगे राइज, राइज गिव राइज टू पॉलिप, एंड पॉलिप टू दिस अगेन बडिंग पॉलिप इज गिव राइज टू दिस यंग स्टेज ऑफ मेडूसा एंड एडल्ट स्टेज ऑफ मेडूसा। तो प्लेनुला लार्वा इज मोर आर लेस सिलेंड्रिकल और एग शेप एंड बियर्स न्यूमरस सीलिया यूज फॉर लोकोमोशन, एंड दे इज प्लेनुला आर प्रोड्यूस बोथ बाई पॉलिप फॉर्म एज इन सी एनिमल्स एंड बाई मेडूसा फॉर्म इन मोस्ट अदर मेटेरियल। तो दोनों टाइप हम देख रहे हैं कि दोनों टाइप, चाहे वो पॉलिप फॉर्म हो चाहे मेडूसा फॉर्म हो, ये दोनों प्लेनुला लार्वा को एक इसमें लापोलिना लार्वा इसमें इन्वॉल्व रहता है। सो फार एज द क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया और सिलेंट्रेटा इज कंसर्न, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू थ्री क्लासेस, हाइड्रोजुआ हैविंग हाइड्राज एंड अदर कलोनी फार्मिंग स्पीशीज, स्काइफोजुआ विच वी ऑल्सो कॉल एज जेली फिशिज, देर एंथोजुआ हैविंग सी एनिमल्स एंड कोरल्स। देर इज वन मोर क्लास क्यूबोजुआ विच वी ऑल्सो डिस्कस इन आफ्टर दिस क्लासेस। नो सो फार एज हाइड्रोजुआ एज ऑलरेडी टोल्ड, इट कंटेन हाइड्राज एंड अदर कलोनी फार्मिंग स्पीशीज, एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस हाइड्रोजुआ क्लास दैट इज दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हाइड्राइड्स, एंड दिस क्लास इंक्लूड बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन फॉर्म्स, एंड दे हैव आइदर पॉलिप फॉर्म और मेडूसा फॉर्म और बोथ पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म। सो फार एज हाइड्रा इज कंसर्न, इट इज़ द ओनली एक्सेप्शन बिकॉज इट हैज़ पॉलिप फॉर्म, एंड अगेन इन द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फ्रेश वाटर एंड मेराइन फॉर्म, अगेन हाइड्रा इज एक्सेप्शन, इट इज नॉट मेराइन, इट इज फ्रेश वाटर। So far hydra is concerned, it is freshwater polyp we can say, and these different joints they show the phenomena of polymorphism other in other members. Gonads are ectodermal in origin, and the gametes, that is male gamete and female gamete, which we also call sex cells, they are discharged externally into the surrounding water, and they show the phenomena of metagenesis, that is alternation of generation, however not true alternation of generation, but there is a metagenesis. Then main examples are hydra, which we call as freshwater polyp again, Obelia, the seafar, Physalia, the Portuguese man of war, and so on. And let us discuss one of the members, that is hydra of this class. It is a freshwater Cnidarian, commonly found in lakes, ponds, and slow moving streams, and it is fixed to the substratum to submerged weeds and stones, but can move in variety of ways when required. There are some situations when it is required, in spite of its sedentary character of this hydra, it can move, and how it moves we shall also discuss. And this is the sketch of this hydra having hypostome, that is mouth, then tentacles, and this is the middle piece, then this is the orbital end and budding zone, and so on. So hydra you all know, as you have studied in the previous classes also, budding in hydra in the asexual reproduction. Now it
both produced by asexual and sexual, that is Hydra, and has remarkable power of regeneration. Hydra has remarkable great power of regeneration, and as already told that it has only polyp stage, no medusa stage of Hydra. I told earlier you that Hydra generates a soil and it moves only for hunting. How it moves? It moves by bending over and attaching themselves to the substrate with the help of mouth and tentacles. क्या मौत और टेंटेकल ये क्या करता है, बेंड कर लेता है एंड देन रिलीज द फूड. उसके बाद अपने फूड को रिलीज करता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लूपिंग वेयर द हाइड्रा मूव्स बाई 180 डिग्री एंगल. देर इज ऑल्सो सम अदर प्रोसेस समर सॉल्टिंग एंड इन विच द सेम इज द प्रोसेस बट द मूवमेंट इज बाई 360 डिग्री एंगल मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट इज फॉर हंटिंग. So this is the situation that we were discussing earlier, ki what are the situation where the Hydra can move in spite of its sessile character. So far is the second member, that is Physalia, is concerned. It is also known as Portuguese man of war. Je naam isliye isme diya gaya ki jaise war mein ek unity chahiye, mil ke sab kaam karte hain. तो फाइसिलिया में भी जितने भी उसके इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी उसके जॉइंट्स हैं, डेक्टिलो जॉइंट्स है, गेस्ट्रो जॉइंट्स है, मेडूस है, पॉलिप जो भी है, सारे मिलकर काम करते हैं. इसलिए इट इज़ हाईली पॉलीमॉर्फिक बिकॉज जॉइंट्स अटैच टू वन अनदर, दे आर फिजियोलॉजिकल इंटेग्रेटेड एंड दे कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली. एंड हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फाइसिलिया. देर आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, गोनोजॉइट फॉर प्रोड्यूसिंग गैमीज, देन गैस्ट्रोजॉइट्स, देन डेक्टिलोजॉइट्स, देन टेंटेकल्स, देन मेटाफोर्स. दी जॉइट्स दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू एंड दे शो द फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड दे फॉर्म फ्री फ्लोटिंग कॉलोनी, कार्निवोरस इन नेचर बिकॉज दे टेक क्रस्टेशंस एंड फिशेज एंड they reproduce both sexually and asexually. So far as Scyphozoa, that is second class, is concerned, we also known as jellyfish class, and it has derived its name from Scyphos means cup and zoan animals according to a shape of this class, members of the Scyphozoa, and this is the member of Scyphozoa which we call as jellyfish Aurelia. Actually it is not a true fish, actually it floats on water, that we call it as a fish, and it looks like jelly, so it is a jellyfish. So it is exclusively marine and solitary, represented by bell or umbrella shaped medusa. You can see the medusa of this Aurelia. Then polyform is reduced or absent here, and gonads are endodermal, and the gametes, they are shed into the digestive tract from where they move out to the mouth. And common examples are Aurelia, jellyfish and rhizostoma. So far as Aurelia is concerned, as already told to you, that it has only medusa stage and it has a gelatinous body about 7 to 10 centimeter in diameter, and life cycle of this Aurelia, it includes a free swimming larva, that is planula larva, as already discussed to you, and a fixed polyp like Scyphostoma larva, that multiplies by transverse fission. Sense organs, they are enclosed in the this marginal lappet. This is a marginal lappet, and these sense organs are enclosed in the marginal lappet, and the sense organs are called as lobalia, and each sense organ, as already told to, it is enclosed by a pair of leaf-like lappets. So Anthozoa is the third class,
and class of sea anemones and corals. It is again derived from two words, anthos and flower, and June animals, flower type animals. So anthozoa, this is these are the members of class anthozoa. Very large number of members are in the class anthozoa. They are exclusively marine and solitary or colonial both way. And this class is represented by polyform only. First class both form Polypmedusa, second form that is Scyphozoa, it is has Medusa form, and this is the Anthozoa, it is only polyform, Medusa form is absent. And gastrovascular cavity here is divided into some different compartment, and the mesoglia, which is a layer between the ectoderm and endoderm, it contains a fibrous connective tissue. And gonads are again endodermal, as in Scyphozoa, and gametes are shed into the gastrovascular cavity, that is the digestive tract, from where they move out via mouth. And common examples are Adamsia, commonly known as sea anemone, then Astrea, that is star coral, Netulla, that is sea pen, Gorgonia, that is sea fan, then brain coral, which we call Menandrina, then red coral, Corallum, then blue coral, Halipora, and black coral, Antitheria. So these are the members of class Anthozoa. Let us discuss one of the members, Adamsia, that is a sea anemone of class Anthozoa. It is marine and sedentary, cnidarian, and it is found attached to the snail shell, actually, which comes under the phylum Mollusca, which we study later on in the coming phyla. And this Mollusca is occupied, this hermit crab. This is the hermit crab, this is the snail shell, and this is the Adamsia, yani sea anemone. Actually, what happens, sea anemone protects the crab from enemies with the help of their stinging cells, and in return the anemone is carried by the crab to a new feeding ground, where it gets pieces of dropping from the crab prey. So in both way they help each other. Actually, crab is protected from the enemies and by the sea anemone, and sea anemone gets its food. And this association, where the both are benefited, it is known as mutualism, that is beneficial to the both the partners. And sea anemone has a cylindrical body, upper end is a oral disc, has a oral disc having a mouth covered with many rings of tentacles, and lower end is the paddle disc. This is the lower end, and it is for attachment to the shell. And this is the lower end. ये मैंने पहले कहा ये shell है. किसका cell? Snail shell है, Mollusca जो phylum का, उसके साथ attached है. ये hermit crab है. तो ये hermit crab जो है, ये drag करके sea anemone को क्या करता है? अब sea anemone जो उसको protect करता है crab को, और जो crab का जो dropping food है, वो किसको मिल जाता है? Sea anemone को. So in this way they both help each other, and this process is known as mutualism. So far as the fourth class, Cubozoa, as I have already told, that is the box jellyfish. It is distinguished by their cube shaped medusa, and mediciform is of a squarish box jellyfish, as a box like bell form, from which its name has been derived. And from the lower corner this tail hangs and the stalk, and bears one or more slender tentacles, hollow tentacles. And this box jellyfishes have nervous system which is more developed than that other jellyfishes, because they possess a ring of nerve ring around the base of the bell, and by which they coordinate their pulsing movement, that is the rhythmic movement.
And some of these box jellyfishes, they produce extremely potent venom. This is all about Cubozoa, जो फोर्थ क्लास आपको मैंने अभी डिस्कस किया है. हम अब जल्दी से रिकैप्सुलेट कर लेते हैं अपने यूनिक फीचर्स निडेरियंस के, जासिलेंटेड के. दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन एज ऑलरेडी टोल्ड, एंड वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा. एंड ऑल हैव देयर टेंटेकल्स विद स्टिंगिंग सेल विच वी कॉल एज नेमेटोसिस्ट, विच आर यूज टू कैप्चर फूड. अपार्ट फ्रॉम कैप्चर फूड, दे आर यूज फॉर एनकरेजिंग themselves to the substratum, and they have a defense for defenses purpose. They have two body layers, that is ectoderm and endoderm. They are separated by jelly like layer, which is mesoglia. Then there is a presence of gastrovascular cavity. Then there are different body forms, polyp and medusa, and they are apart from this, there are different geoids. They are working together for having different function, then performing the function of this phenomena of polymorphism. That structurally and differently joyous, they perform function for the benefit of individual. Then there is a phenomenon of metagenesis, that is the alternation of asexual and sexual phases. One asexual reproducing, that is polyp, it is followed by a free swimming medusa or sessile polyp that reproduces sexually. Actually what happens, polyp reproduces asexually to give rise to medusa, and whereas medusa, it reproduces sexually to give rise to polyp, and it is known as metagenesis. And phylum Cnidaria, Cnidaria, as already told to you in the beginning, there are about 11,000 described species, and which are divided into different classes, that is Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa, and Cubozoa. This is all about the features, general features of class Cnidaria. So I have suggestions for the students that to please focus on the main important distinguished features, most important unique features, which the and give write down the answers according to the time, according to the marks given in the examination. And for any query, you can contact me at the following number, and you can also get answers of your query from by mailing me at my email address. Apart from this, you can also clear your query by putting the question in the comment box. So be connected, share more and more, and in the next video we shall discuss the next phylum, that is Platyhelminthes.